Content creator Elvis Yadav made history of Bigg Boss after being the first wild card to win the show. Actress Rakhi Sawant has reacted to his win. मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि वो जीतेगा. मुझे इतना अच्छा लगा. लास्ट टाइम भी स्टैनली जीता था ना, तभी भी अच्छा लगा कि चलो आम इंसान मतलब बिग बॉस का जो ये अभी फॉर्मेट है वो इतना सुधर गया है कि उनके सीरियल की जो हीरोइन थी वो अब नहीं जीतती है. उनके सीरियल वाले नहीं जीतते हैं और आम इंसान जो है वो जीत जाते हैं. तो इसीलिए अब आई एम सो हैप्पी कि अब वर्ल्ड में से कोई भी बिग बॉस में जा सकता है और हम प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. मुझे एंड तक ऐसा लगा कि मनीषा रानी या पूजा भट्ट जीतेगी, मुझे ऐसा लगा था. बट आई कांट बिलीव के 2,000,080 वोटिंग में उतना आया ना. वाह, मुझे इतना लगता है काफ़ी मिलियंस आए. तो देखिए, मैं एल्विस को इसलिए नहीं पहले सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रोस्ट किया हुआ है, यू नो, समझ रहे हो ना. रोस्ट करते हैं ना जब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ. बट आई एम वेरी हैप्पी एल्विस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं. हाय एल्विस, तूने मारे को बहुत रोस्ट किया है. तूने मारे को बहुत रोस्ट किया है. चल, तुझे माफ़ किया. तुझे ये जीत जो है बिग बॉस की मुबारक हो. बस घमंड नहीं करना, उन लोगों को नहीं भूलना जिन्होंने तुमको जीत के निकाला है. Elvis entered the show in its fourth week with Ashika Bhatia, who was evicted in just the second week. It was a close contest between Elvis Yadav and Abhishek Malhan, as the two have cultivated a huge fan following for themselves, with Elvis Army also crashing down the Bigg Boss system at one point of the show with their voting. As the winner of Bigg Boss OTT2, Elvis took the cash prize of Rs 25 lakh along with the trophy.